युवती ने युवक पर लगाया छिड़खानी व मारपीट करने का आरोप, सिटी एसपी और एसएसपी से मिलकर की कार्रवाई की मांग, मिला आश्वासन। आपको बता दें, धनबाद के एक ज्वेलरी शोरूम में काम करने वाली युवती ने अपने पड़ोसी मनेटार निवासी रोहित सिंह पर बार बार छिड़खानी व मारपीट करने का आरोप लगाई है। विरोध करने पर भाई को झूठा केस में फंसाने की बात कहते हुए उसकी शिकायत पर धनबाद सिटी एसपी से की गई है। वहीं गुरुवार को सिटी एसपी से मिलकर उसने मामले की लिखित शिकायत की और बताया गया कि इससे पहले भी एक माह पूर्व उसके साथ छेड़खानी व मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। झगड़े की शुरुआत हुई कैसे और क्या हुआ? उसके भाई, उसका बेटा था रोहित कुमार सिंह। किस बात को लेकर मारपीट हुई थी? वे भैया के साथ क्या प्रॉब्लम था नहीं पता। रात में उसके घर में मारपीट की, हम लोग बोले भैया नहीं है, कलकत्ता में रहते हैं, वो घर में घुसा तलवार लेकर। ये चीज़ गलत है, यही बोलने के लिए थी। जब पूजा के टाइम में मेरे भैया आए, उनके पापा से बात करने गए अपने फ्रेंड लोग के साथ, तो उनको सबको मिलकर मारा और उल्टा केस उन्हीं पर कर दिए हैं कि वो हाफ मर्डर करने घुसा था। बारे में आज आपने सर को बताया है? सर बोले आगे कार्रवाई करते हैं, उसके लिए आवेदन लिखा था, मैंने आके किस बात को किस मैटर को लेके गए कि ये नहीं पता, लेकिन रात को 1:30 बजे घर में घुसना और घर पे कोई है नहीं, पापा बीमार, हम लोग लेडीज हैं सब, और तलवार लेके ऐसे मारपीट करना, और उसके पापा को बोलो तो लोग बोलते कि हमको मतलब नहीं, जाओ जो करना है कर लो। इससे पहले भी मारपीट हुई थी और बॉन्ड बनाया गया था थाना में? हाँ, बॉन्ड बनाया गया था, वो बोले थे दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर से वो लोग इस बार मेरे बड़े भैया को जाकर मारा है, बड़ा डर का आगे का वो लोग कुछ एक्शन नहीं लेंगे। कौन है वो लोग? आप क्या मकान मालिक और किराएदार के बीच का झगड़ा है? नहीं सर, वो बगल में रहते, मोहल्ले में रहते हैं, उनके अंकल के घर पर, उनके अंकल के घर पर। अच्छा, कभी छिड़खानी वगैरह की भी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है क्या? उसी रात को वो बदमाशी किया था, उसी रात के गया छिड़खानी करे ले। आवेदन दिया है और उसमें जांच करेंगे और उसके बाद कानूनी कार्रवाई। तो आवेदन दिया है जी, उसको क्या है पूरा जांच करते हैं, उसको कानूनी कार्रवाई। थैंक यू सर। ओके सर।